News 18, India. देखिए जिस दिन ईडी ने अगर अपने क्वेश्चन पब्लिक कर दिए इनको इतनी शर्मिंदगी होगी जिसका कोई जवाब नहीं है। ये चाहे पब्लिक नहीं हो सकता जी, वो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता जी। देखिए ईडी का मतलब इनके लिए हुआ जो बीजेपी वाले कहते हैं इलेक्शन दोस्त। ईडी मतलब इलेक्शन दोस्त, हाँ इनके लिए इलेक्शन की दोस्त है क्योंकि अरे समाजवादी वाले भी बड़ा नाम निकाल के इलेक्शन दोस्त। हाँ, हाँ जी, क्योंकि इनपे इनके पास सत्ता पक्ष का तो पता है ही नहीं, विचारों का पता नहीं, एड्रेस ही नहीं है। अगर ईडी के पास अगर ना हो तो हमसे ले जाएं, क्यों? इनके पास भ्रष्टाचार ही नहीं है, ये केवल विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं। 121 लोगों पर, नेताओं पर जो कार्रवाई हुई उसमें 115 विपक्ष के। तो इनको ये बताया, जब हेमंत अभी गिरफ्तार हुए तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, एक बात है, हेमंत शर्मा जी का खून रोज पाव भर बढ़ता होगा, हेमंत शर्मा विश्वास का पाव भर बढ़ता होगा, आप सज लिए? नहीं, मैंने मुझे बस एक ही चीज पूछनी थी कि भैया सज लिए? उधर जैकेट पहन लिया, इधर अपना बिल्कुल एकदम टिप टॉप। जगह कौन सा है भैया जी? मध्य प्रदेश से हैं। और जगह बताओ। अयोध्या में आपके साथ भी था मैं। नहीं, मुझे अयोध्या तो मिलेगा, ऐसा आदमी हर जगह मिलेगा मुझे, लेकिन ये बताओ मुझे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? रायसेन विदिशा। विदिशा के हैं, अब आप सच गए हैं, तो जब सच जाए आदमी तो तुरंत आना चाहिए। बाबूजी कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद आए। भैया जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल कहिए, मैं आपसे बिल्कुल संजीदगी के साथ सुनूंगा पूरी बात। इनकी बात सुन ले, बहुत उतावले क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट की गेस्ट अपीयरेंस में है और इसके बाद गेस्ट अपीयरेंस में अपना रोल अदा करके इसके बाद तुरंत चले जाएंगे कहीं दूसरी जगह। हाँ जी भैया जी, केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी और घटक दल पार्टी, हाँ ये पार्टी पार्टी ये पार्टी, ये सारी पार्टियां वेंटिलेटर पर चली गई हैं। अरे ना, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि पहले अयोध्या, अब काशी मथुरा, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो ये काशी मथुरा कोई मुद्दा है? ये तो कोर्ट तय करेगी, उसके बाद हो जाएगा। ना ना ना, रुको रुको, अभी रुको अभी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपस की लड़ाई है, आज यहाँ कल वहाँ, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं एक राइटर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता भी हूँ, अभी अयोध्या होकर के आया हूँ। अच्छा, अगर इन्होंने कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हूँ तो उसमें क्या कोई आदमी कहता है अपने को छोटा? सज के आए हैं, खड़े हैं इतनी देर से बारात लेके, तो कहाँ से? शिवसेना से। खड़े रहो, कौन सी शिवसेना से हो तुम? संभाल नहीं पा रहे हो, घर दो लगे हो गया, रुको। हाँ जी, क्यों नहीं संभाले? संभाल रहे हैं। कौन सी सेना से हो तुम? हम चाटते नहीं है, थूक कर के। नहीं तुम पक्के, नहीं नहीं अब परिचय मिल गया, तुम पक्का शिवसेना से हो, तुम पक्का शिवसेना से। रुको, हाँ बाबूजी बोलिए। कहना चाहता हूँ, अरे खड़े रहो। आज मैं 75 साल का हूँ। अरे रुके रहो भाई, आज मैं 75 साल का हूँ मगर आज से 15 साल पहले तक मैंने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया था? क्योंकि सबसे पहले हमारे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको बच्चे लोग प्यार से चाचा कहते थे। उसके बाद कांग्रेस चलती रही मगर सत्ता। देखिए सर, अगर शॉर्ट में कुछ कहना हो तो कहिए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो लिख गए हैं वो। मैं इतिहास नहीं बोल रहा। हाँ, उसके बाद जो लोग भी आए, चाहे वो राजीव गांधी आए हो, चाहे संजय गांधी आए हो, चाहे कोई भी गांधी आए हो, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने देश। आप बीजेपी के बड़े नेता हैं? हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं मैं। हाँ, क्या मतलब बताइए, परिचय दीजिए। हाँ, मैंने नॉवेल लिखा है इसके ऊपर, बीजेपी पे के पन्नों पर लिखती। अरे यहाँ पे आदमी समाजवादी का गज आ जाता है अगर थोड़ी देर और बोलते, खा गए सब मेरा टाइम। मैं ये कह रहा था कि मैंने जब सुना कि हेमंत गिरफ्तार हो गए तो मैंने कहा हो सकता है मोदी जी का कार्यकाल आखिरी है। फिक्शन ना सुनाया करिए, खबरों की दुनिया में रहिए, न्यूज चैनल है। हाँ, उसी के अभी तो मुझे लग रहा कि चलो कहीं तो कार्रवाई कर रहे हैं अच्छे, तो पता लगा कि नाम तो एक ही, हेमंत विश्व शर्मा नहीं गिरफ्तार हुए, ये तो भैया हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन आरोप उन पे भी थे, यही किताब बांटा करते थे कि भैया इन्हें गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। इनके पास आ गए, अब तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पूछिए हेमंत विश्व शर्मा। लेकिन हेमंत एक बार एक काम करो, हाँ तुम भी हो कि उनके पास से आओ, देखो क्या मशीन क्या है इनके पास, पता करो आके। हाँ, एक बार जरूर आना चाहिए। कहाँ से हैं भैया? सर मैं दिल्ली से हूँ सर। हाँ, तुम तो आते हो शो में, आते हो अक्सर दिखाई देते हो। जी बाबूजी जी, दिल्ली पश्चिमी विहार से। हाँ जी साहब, क्या नाम हो गया बाबूजी? सुरेश कुमार दीवान। जी दीवान साहब बोलिए। सर आपके दर्शन करने आया था,
और घर में देखते रहता हूँ, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाया कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन, अच्छे नेता की क्या गुण होते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी।